नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सोनिया गांधी की डिजिटल मीटिंग से पहले बिहार में जेडीयू और विपक्ष आमने सामने आ गया है। विपक्षी नेताओं को सोनिया गांधी की इस डिजिटल मीटिंग में शामिल होना है और इस मीटिंग से पहले जेडीयू का एक बयान सामने आया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस मीटिंग में देश के नाम पर चर्चा नहीं होनी है, देश की चिंता नहीं होनी है, बल्कि इस मीटिंग में हिस्सेदारी बंटनी है। अब इसको लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने निशाना साधा है। दरअसल बिहार में सियासत हो रही है, संकट के दौर में बिहार चुनावी बोर्ड में नजर आ रहा है और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कब होगा, कैसा होगा, ये सवाल जरूर है, लेकिन बिहार इस वक्त चुनावी मोड में नजर आ रहा है। इसीलिए बिहार की सियासत में डीएनए है, बिहार की सियासत में वो तमाम चर्चा है जो 2015 के विधानसभा चुनाव में थे। तो दानिश रिजवान ने जेडीयू पर पलटवार किया है और यह कहा है कि जिन्होंने गाली दी उसी के साथ जा मिले सीएम नीतीश कुमार और हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए ये मांग करने वाले हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार को हमारे साथ आना चाहिए, विपक्ष की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना चाहिए ताकि विपक्ष मजबूत हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। फोन पर हमने दानिश रिजवान से बातचीत की है, ये बातचीत आप सुनिए और समझिए कितने गुस्से में हैं जेडीयू के हमले से। देखिए, राजीव रंजन जी भूल गए हैं कि कल की बैठक में हम स्पेशल स्टेटस को लेकर के चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिले। राजीव रंजन जी कुर्सी के लालच में उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया है। बिहार के आबरू के लिए डीएनए की बात हुई थी। बिहार में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी और हमने खुले मन से उसका प्रतिकार किया था। लेकिन राजीव रंजन जी शायद भूल गए हैं कि गाली देने वाले लोगों के गोद में बैठकर किस तरीके से राजनीति वो कर रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है और हम अपने स्पष्ट जवाबदेही के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बातचीत करेंगे। अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है और राजीव रंजन जी को ये लगता है कि सीटों की जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल जेपी नड्डा ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीट पे भारतीय जनता के पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे और वो उसकी तैयारी करें। तो वो अपने अलायंस की अभी चिंता करे, वो चुनाव की चिंता करे। हमें, हमारे लिए पहले देश महत्वपूर्ण है। हम देश की चिंता कर रहे हैं, बिहार की चिंता कर रहे हैं, बाद में हम चुनाव लड़ लेंगे। नहीं, देखिए, एक चीज और है, हम जनता दल यूनाइटेड के नेता से भी मांग करते हैं कल की बैठक में वो भी शामिल हो और अपने बिहार के हक के लिए कम से कम गोलबंदी करें। बिल्कुल, बिहार के मजदूरों के लिए गोलबंदी करें, बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए गोलबंदी करें। मैं अनुरोध करता हूँ नीतीश कुमार जी से कि वो भी विपक्ष की बैठक में आए, क्योंकि ये देश का महत्वपूर्ण मामला है, बिहार जैसे गरीब राज्यों की चिंता है और हम उस चिंता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी भी बैठक में शामिल होते हैं तो विपक्ष को एकजुटता और मजबूती मिलेगी और बिहार की जो बड़ी डिमांड है स्पेशल स्टेटस का, वो डिमांड हमारी पूरी होगी। तो बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की डिमांड यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल विपक्षी नेताओं की मीटिंग में शामिल हो। सोनिया गांधी जिस बैठक को, जिस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाली हैं, उसमें नीतीश कुमार की उपस्थिति भी हो ताकि बिहार में विपक्ष मजबूत हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बीजेपी पर दबाव बढ़े, केंद्र सरकार पर दबाव बढ़े। और जिस तरह से जेडीयू ने हमला किया है, उस हमले का पलटवार भी दानिश रिजवान की तरफ से कि गाली देने वालों के गोद में जाके बैठ गए, उनसे जाके मिल गए, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिए जाने की मांग को क्या हुआ। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।